यानी सात खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों वाला कैलेंडर रिलीज हो गया। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इन दोनों राज्यों के अलावा आज उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। देश की 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनावों की घोषणा की गई। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। कोर्ट में याचिका की वजह से मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। 23 नवंबर को सभी जगहों पर चुनावी नतीजे आएंगे। सत्ता में आज सीट शेयरिंग और समीकरण वाली इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। आज सत्ता में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की धूर्तता को डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे कैसे ट्रूडो एंड कंपनी भारतीय एजेंट्स के बाद अब बिश्नोई गैंग का नाम लेकर भारत पर सवाल उठा रही है। ट्रूडो की कूटनीतिक धूर्तता का जे फैक्टर भी बताएंगे। पाकिस्तान में SCO समिट हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद शहबाज शरीफ वेलकम डिनर भी देंगे। सत्ता में आपको बताएंगे भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए कैसे पाकिस्तान तड़प रहा है और चीन के PM के स्वागत में कैसे पाकिस्तान बिच चुका है। यूपी बहराइच में हिंसा की आग बुझ चुकी है, लेकिन इंसाफ की मांग अभी भी अधूरी है। आज CM योगी से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की। मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने खून का बदला खून से लेने की मांग की है। सत्ता में आपको उस घर से रिपोर्ट दिखाएंगे जहां गोली चली, जहां झंडा उतारा गया था। भारत और अमेरिका के बीच आज 32,000 करोड़ की डिफेंस डील फाइनल हो गई है। भारत अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। ये अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन का ही एक वेरिएंट है। ये ड्रोन तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए देश में ही फैसिलिटी बनाई जाएगी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को मणिपुर हिंसा पर शांति वाला अपडेट भी दे देंगे। आज मणिपुर में शांति बहाली के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार की अहम बैठक हुई है। बैठक में कुकी, मेती और नागा समुदाय के विधायक शामिल हुए। गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ इस पर मंथन हुआ है। सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात जिनकी जुबान पर भारत विरोधी जहर है और ख्यालों में खालिस्तान के मंगल गीत बज रहे हैं, जो सत्ता की चाहत और वोटों के लालच में खालिस्तानी एजेंडे की दिशा में बहते जा रहे हैं और इस नियत की वजह से उन्होंने अपनी कूटनीति को भी ताक पर रख दिया है। सबसे पहले उस प्रधानमंत्री का एक संक्षिप्त परिचय सुन लीजिए। नाम है जस्टिन ट्रूडो। मौजूदा वक्त में कनाडा की सत्ता में के प्रधान हैं, जिनका पसंदीदा काम है खालिस्तानी प्रेम में भारत विरोधी एजेंडा चलाना। ट्रूडो का नया शगुफा तो आपने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय एजेंट्स आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन ट्रूडो के इन आरोपों का जे फैक्टर क्या है, ये देखिएगा। वैसे आज सत्ता में जस्टिन ट्रूडो के पिता के बारे में भी आपको बताएंगे कि एंटी इंडिया विचार और खालिस्तान प्रेम उन्हें कैसे विरासत में मिला है। साथ ही आज ट्रूडो का असली चेहरा भी देखिएगा, कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो खालिस्तानियों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन उससे पहले जस्टिन ट्रूडो और उनके अधिकारियों के कुछ आधारहीन, सबूत विहीन और सच रहित बयान सुनते हैं, जिसे आप आसान भाषा में ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो अपनी बातों को पिछले 48 घंटे में इतना गोल गोल घुमा चुके हैं कि अब उनकी किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले दुनिया के दूसरे नेता 100 बार सोचेंगे। 13 अक्टूबर को कनाडा ने भारत को एक लेटर लिखा, जिसमें भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा और दूसरे डिप्लोमैट्स को एक केस में संदिग्ध बताया। लेकिन जब सबूत मांगे गए तो ट्रूडो एंड कंपनी में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर 14 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो खुद सामने आए और 6 भारतीय एजेंट के कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। लेकिन फिर से सबूत के नाम पर जुबान सिल गई। 15 अक्टूबर यानी आज तो जस्टिन ट्रूडो और उनके अधिकारियों ने हद ही पार कर दी। इस बार उन्होंने इस केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिया। कनाडा की पुलिस ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तान समर्थकों को टारगेट कर रहा है और यह भी कह दिया कि लॉरेंस गैंग का कनाडा में भारतीय एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। लेकिन इस दावे का भी कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया है। फिर भी
पूरी तैयारी के साथ ट्रूडो के विश्वास पात्र अधिकारी अखबारों को और वेबसाइट को इंटरव्यू देकर अपना एजेंडा पुश करने लगे, जिससे भारत की बदनामी हो। जरा सोचिए, ट्रूडो को लगता है कि भारत की जेल में बंद एक गैंगस्टर कनाडा में पॉलिटिकल किलिंग करवा रहा है और खालिस्तान समर्थकों को मरवा रहा है। ये खुद में कूटनीतिक मजाक नहीं है तो और क्या है। इसीलिए आज सत्ता में ट्रूडो की वैचारिक रिपेयरिंग जरूरी है, लेकिन फिलहाल तो भारत ने ही कनाडा के प्रधानमंत्री को करारा जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार ये वही पुराने ट्रूडो हैं, वही पुराने बयान दोहरा रहे हैं और उन्हीं पुरानी वजहों से। इसकी वजह ट्रूडो सरकार का राजनीतिक एजेंडा है जो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। कई बार अनुरोध करने के बाद भी कनाडा सरकार ने एक भी सबूत भारत के साथ साझा नहीं किया। ट्रूडो का नया आरोप भी इसी लिस्ट का हिस्सा है, जिनके पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं है। स्पष्ट है कि जांच के बहाने भारत को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन इस जवाब के बाद भी जस्टिन ट्रूडो को सद्बुद्धि आएगी, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम ही है। इसके पीछे की वजह है वो पांच सवाल, जिनके जवाब में ही जस्टिन ट्रूडो का असली सच छिपा हुआ है। पहला प्रश्न ये कि आखिर ट्रूडो का दिल खालिस्तान और खालिस्तानियों के लिए इतना क्यों धड़क रहा है। दूसरा सवाल, कहीं जस्टिन ट्रूडो का रिमोट चीन से ऑपरेट तो नहीं हो रहा है। इसके भी कुछ सबूत मिले हैं। एक सवाल यह भी है कि ट्रूडो को भारत से कूटनीतिक शत्रुता मंजूर है, आखिर इसकी कीमत उन्हें क्या मिल रही है। क्या ट्रूडो की इस बहानेबाजी और अनर्गल आरोपों वाली वेब सीरीज के पीछे सत्ता जाने का डर है, इसीलिए वो कभी भारतीय एजेंट्स का नाम लेते हैं तो कभी लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हैं। आखिर ट्रूडो गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं। पहले कनाडा के आधारहीन और सबूतविहीन आरोपों वाली एक रील देखिए, फिर ट्रूडो के दिमाग के बंद दरवाजे खोलने वाली कुछ कुंजी भी हम खोलेंगे। Over the past few years and more recently, law enforcement agencies in Canada, including the RCMP, have successfully investigated and charged a significant number of individuals for their direct involvement in homicides, extortions, and other criminal acts of violence. In addition, there has been well over a dozen credible and imminent threats to life which have led to the conduct of duty to warn by law enforcement with members of the South Asian community and specifically members of the pro-Khalistan movement. The team has learned a significant amount of information about the breadth and depth of criminal activity orchestrated by agents of the government of India and consequential threats to the safety and security of Canadians and individuals living in Canada. Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities such as collecting information for the government of India, either directly or through their agents. As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. And claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. The actions that are alleged to have taken place on Canadian soil are indeed a grave violation of our sovereignty and of Canada's rule of law. अब सत्ता की जो कुंजी हम दिखाने जा रहे हैं, उसमें ट्रूडो की ऐसी धूर्तता छिपी है जिसे दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञ कूटनीतिक मूर्खता बता रहे हैं। पहले ये समझिए, खालिस्तान के लिए जस्टिन ट्रूडो के मन में मंगल गीत क्यों बज रहे हैं। तो जवाब है सत्ता का समीकरण, जिसकी वजह से ट्रूडो को खालिस्तान बड़ा प्यारा लग रहा है। दरअसल कनाडा की संसद में सांसदों की संख्या 338 है,
इनमें बहुमत के लिए जरूरी सांसद हैं 170, जबकि ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसद हैं 158। यानी ट्रूडो की पार्टी के पास सत्ता में बने रहने के लिए बहुमत नहीं है। और यहीं पर जस्टिन ट्रूडो का दिल खालिस्तान के लिए जोर जोर से धड़कने लगता है। और जस्टिन ट्रूडो की इस मजबूरी का नाम है जगमीत सिंह, जिसके साथ मिलकर सत्ता पाने के लालच में ट्रूडो भारत से दुश्मनी भी मोल लेने को तैयार है। दरअसल बहुमत ना होने की वजह से ट्रूडो ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लिया था और इस एनडीपी का मुखिया है जगमीत सिंह। ये वही जगमीत सिंह है जो अपनी बातों से खालिस्तानी विचारों के प्रति समर्पित नजर आते हैं। कनाडा की संसद में जगमीत की पार्टी एनडीपी के कुल 24 सांसद हैं और अब तक एनडीपी के भरोसे ही ट्रूडो सरकार को सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन पिछले महीने एनडीपी ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी से समर्थन वापस ले लिया। बावजूद इसके ट्रूडो सत्ता में बने रहे क्योंकि दूसरी पार्टी का समर्थन उन्हें मिल गया। लेकिन अब भी ट्रूडो की सत्ता अगर मगर में लटकी हुई है और यही वजह है कि ट्रूडो का मन जगमीत सिंह के एजेंडे में अटका हुआ है। ट्रूडो के सामने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने की एक और वजह भी है, कनाडा की जनता का ध्यान भटकाना। कुछ वक्त पहले फूड बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट में ट्रूडो की सत्ता का सच बताया गया था। दावा किया गया था कि कनाडा में 28 लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं, करीब 70 लाख लोगों के सामने खाने पीने का संकट है, करीब 18% आबादी को दो वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। और ये हाल तब है जब कनाडा की जनता करीब 40% तक टैक्स देती है। अब ट्रूडो सोच रहे हैं कि जनता का ध्यान नहीं भटकाएंगे तो अगले साल चुनाव में जनता को क्या चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि उनके मन में अभी से सत्ता जाने का डर घर कर चुका है। एगन्स रीड इंस्टीट्यूट ने कनाडा में पिछले वर्ष और इस वर्ष एक सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि ट्रूडो को पसंद करने वालों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2023 के सर्वे में 39% लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को नापसंद किया था, जबकि इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 65% तक पहुंच गया है। यानी कनाडा में ट्रूडो की स्वीकृति लगातार घट रही है और उनकी खुद की पार्टी में ट्रूडो के प्रति विद्रोह बढ़ता जा रहा है। यह भी दावा है कि ट्रूडो का एक रिमोट चीन से भी ऑपरेट हो रहा है। कुछ दिन पहले कनाडा में विपक्ष की मांग पर एक आयोग बनाया गया था जिसने ये जांच की थी, क्या चीन ने 2019 और 2021 में कनाडाई संघीय चुनावों में हस्तक्षेप किया था, क्योंकि इनमें ट्रूडो को फिर से पीएम चुना गया था। कनाडा में विपक्षी सांसदों को लगता है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। शायद ये सारे तथ्य ट्रूडो का असली एंटी इंडिया चेहरा दिखाने के लिए काफी है। वैसे एक असत्य ये भी है कि ट्रूडो की रगों में ये खालिस्तान प्रेम विरासत बनकर दौड़ रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के पिता के ख्यालात भी भारत को लेकर ऐसे ही रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिता पीयरे ट्रूडो 1984 में कनाडा के प्रधानमंत्री थे और तब उन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने खालिस्तानियों को समर्थन देने का आरोप लगाया था और उस वक्त भी दोनों देशों के संबंध बिगड़े थे। कनाडा के पत्रकार टेरी मिल्सकी ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में लिखा है कैसे पियर ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानियों को सींचने का काम किया। इस किताब के अनुसार 1980 के दशक में अलग सिख राज्य की मांग पर खालिस्तान आंदोलन भारत के बाहर कनाडा में भी हो रहा था, जिसके बाद तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने की अपील की थी और भारतीयों को टारगेट किए जाने पर विरोध जताया था। लेकिन पियर ट्रूडो ने उनकी बात को अहमियत नहीं दी। इस डील का खौफनाक अंजाम यह हुआ कि 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान में बम रखकर उसे उड़ा दिया, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। अब खालिस्तान और खालिस्तान प्रेमियों को ऐसी ही शह जस्टिन ट्रूडो भी दे रहे हैं। वैसे ट्रूडो ने सोचा था कि कुछ भी आरोप लगाकर वो भारत को दिक्कतों की डिलीवरी कर देंगे, लेकिन फिलहाल भारत ने ये कूटनीतिक दिक्कत उन्हें सूद समेत वापस कर दी है। एक बार फिर से चुनावी राजनीति की कुंजी भी खोलते हैं, जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने अब तक कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन दो नए राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में पहले फेज में 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे।
इसके अलावा 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 चरणों में होंगे। 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी और 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो वायनाड और नांदेड़ है। वायनाड में 13 नवंबर और नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वायनाड सीट लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है और यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद वसंतराव बलवंतराव चौहान के निधन के बाद खाली हुई है। डेट ऑफ पोल इन महाराष्ट्र वुड बी 20th 11, काउंटिंग वुड बी ऑन 23rd 11 24। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस, झारखंड वुड बी इन 2 फेजेस। द डेट ऑफ पोल फर्स्ट फेज वुड बी ऑन डेट ऑफ पोल वुड बी ऑन 13th नवंबर एंड द सेकेंड फेज वुड बी along with Maharashtra on 20th November. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो पंजाब की 4 सीट, उत्तराखंड की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 9 सीट, राजस्थान की 7 सीट, बिहार की 4, गुजरात की 1 सीट, सिक्किम की 2 सीट, असम की 5 सीट, मेघालय की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 6 सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 2, केरल की 2, कर्नाटक की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इस लिस्ट में यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का जिक्र नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव का ऐलान नहीं किया। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने की वजह से अब यूपी की 9 सीटों पर ही पहले चरण में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। ऐसे में सवाल उठा कि जब गांव में एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं तो मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस पर जानकारी दी कि जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उनको लेकर इलेक्शन पिटिशन कोर्ट में दाखिल है, इसलिए वहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। शीराहट इज अंडर द इलेक्शन पिटिशन, देयर इज एन इलेक्शन पिटिशन इन बशीराहट, सो दैट इज वन केस। मिल्कीपुर आल्सो इज अंडर इलेक्शन, सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटिशन नहीं है वहां सब में हो रहा है, ठीक है, वो दे देंगे, वो 2 तो मैंने बताई दी आपको। लेकिन यहां आपको एक अपडेट भी दे दें, मिल्कीपुर में जो याचिकाएं थी, पिटिशंस थी, वो वापस हो गई हैं दरअसल। लेकिन बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर में 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप ये लगाया था कि फैजाबाद के मौजूदा सांसद और तब मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने 2022 में जिस नोटरी से लेकर शपथ पत्र दायर किया था उसका लाइसेंस कई वर्ष पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म की जाए। 2024 में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया जिससे ये मामला खत्म हो जाना था। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से संबंधित एक और व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी जिसके कारण चुनाव आयोग ने आज मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया। इस सब के बीच मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका को वापस लेने का ऐलान भी किया है। सत्ता के स्कोर की बात करें तो ये अब 1-1 है, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सत्ता में है जबकि झारखंड में कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन सत्ता में है। मौजूदा आंकड़े की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 सीट चाहिए। यहां बीजेपी के पास 103, शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 सीट हैं, एनसीपी अजित पवार गुट के 43 विधायक हैं, शिवसेना यूबीटी के 15 विधायक हैं, एनसीपी शरद गुट के 10 विधायक हैं, कांग्रेस के 43 विधायक हैं, अन्य दलों के पास 34 सीट हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो यहां कुल 81 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है जिसमें जेएमएम के पास 27 सीट हैं, कांग्रेस के 18 विधायक हैं, बीजेपी के 24 विधायक हैं, आजसू के 3 विधायक हैं, अन्य दलों के पास 5 विधायक हैं। झारखंड में 4 सीटें खाली थीं। महाराष्ट्र में किसी भी हालत में सरकार बदलेगी, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी है मोदी अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से, जनता उसको ख़त्म कर देगी। आई एम वेरी
sure that in Maharashtra we will, as a Mahayuti consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी अच्छे वोटों से सत्ता में आएगी। जिस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेशन है तीनों पार्टी का, अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी, सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा जानती है कि महाराष्ट्र में उसके हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। महाविकास आघाड़ी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। हम लोग चुनाव घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए दो फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। गठबंधन की सरकार ने जो काम किया है विगत 5 वर्षों में वह बहुत ही उल्लेखनीय है और एक एक जनता इस चीज को जानती है, इसलिए जनता मन बना लिया है झारखंड की पुनः गठबंधन की सरकार को हम लोग लाएंगे। हरियाणा की हार से हैरान कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव पर फोकस बढ़ा दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आज कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए 11 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें मुंबई और कोंकण की जिम्मेदारी अशोक गहलोत और जी परमेश्वर के पास है। अमरावती और नागपुर को मिलाकर विदर्भ की जिम्मेदारी भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी और उमंग सिंघार को दी गई है। मराठवाड़ा की जिम्मेदारी सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी के पास है। पश्चिमी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव और एमबी पाटिल के पास है और उत्तर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सैयद नासिर हुसैन और अनुसुईया सिक्ता को जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, हरियाणा में गठबंधन करने और ना करने का फैसले में हुई देरी से सबक लेते हुए महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर शुरुआती सहमति बन गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा के कुल 228 सीटें हैं, जिसमें महाविकास आघाड़ी के बीच 224 सीटों पर सहमति बन गई है। मुंबई की कुल 36 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 13 पर शिवसेना यूबीटी, 8 सीटों पर कांग्रेस और 1 समाजवादी पार्टी को देने पर सहमति है। 8 सीटों पर चर्चा जारी है, जबकि बची हुई 6 सीटों पर कोई मतभेद नहीं है। इसी सीट बंटवारे के गणित को देखेंगे तो कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी ने 224 सीटों पर सहमति बना ली है, जबकि 64 सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी है, जबकि बीजेपी के गठबंधन वाली महायुति ने 235 सीटों पर सहमति बना ली है और 53 सीटों पर अभी बातचीत चल रही है। बहराइच की करते हैं, जहां मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन जुलूस में बिगड़े हालात कल के मुकाबले बेहतर हैं और कल रात हुई हिंसा के बाद आज स्थिति पूरी तरह से काबू में है। इस बीच आज बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात की। ये मुलाकात लखनऊ स्थित सीएम आवास पर हुई। सीएम ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार वालों ने सीएम योगी से न्याय की मांग की। परिवार के साथ महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की मदद, पीएम आवास योजना के तहत एक आवास, रामगोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी, विधवा पेंशन और मां पिता को वृद्धा पेंशन देने की बात कही गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक स्कोर बढ़ाने वाली पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दंगा भड़काने वाली पार्टी कहा तो समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि सरकार जिम्मेदारी निभाने से नाकाम रही है। एक बार बयानों की रील देखिए, फिर आपको दंगे वाली जगह पर यानी ग्राउंड जीरो की रियलिटी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। कार्रवाई, उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। कि हमें लड़का का हमारा गया तड़पाए तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो, तो उनके सजा दें जाए उनका। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई खड़यंत्र है
उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके DNA में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर। सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी, आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए। ये साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। इनके पेट में दर्द होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती जब बहराई जैसी घटना होती। सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, इसका राजनीतिकरण करना चाहती है और आगामी चुनाव में अन्य प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं इस प्रकार से वो चाहते हैं कि लोग इन प्रकार की घटनाओं के माध्यम से पोलराइज करें और उनको राजनीतिक फायदा। इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है और ध्यान रख के बिल्कुल स्पेसिफिकली कौन है वो असामाजिक तत्व उसकी जांच करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी तरीके से सरकार की फेलवर है और जंगल राज कायम है पूरे प्रदेश में। आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, रेप हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, सब चीजें ध्वस्त, उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। राजनीति से अलग अब आपको बहराइच में जहां पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी उस लोकेशन से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से बहराइच जहां से जलने से शुरू हुआ, जिस जगह पर हिंसा हुई, जिस बाजार के जिस मकान पर हिंसा की शुरुआत हुई, TV9 भारतवर्ष उसी मकान की छत पर मौजूद है और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि यहां पर लगे एक झंडे को हटाने की कोशिश की गई और ये झंडा गाड़ने की कोशिश की गई। झंडा हटाने वाला शख्स रामगोपाल मिश्रा था और उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। आरोप है कि यहीं से इसी छत से जहां पर आपको शीशे के बिखरे हुए टुकड़े नजर आएंगे, डंडे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे, इसी छत से रामगोपाल मिश्रा को घसीट कर नीचे ले जाया गया और इसी घर जिस छत पर हम मौजूद हैं इसी घर के अंदर उसकी गोली मारकर चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। ये सकरी सी सीढ़ी है जो नीचे आती है और यहीं से एक वीडियो आपको नजर आएगा जिसमें रामगोपाल की बॉडी को लोग खींचकर यहां से ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे। यही वो सीढ़ी है जो 20 सेकंड का आप वीडियो देखते हैं। इस तरफ आइए जरा सुभाष, आप देखिए ये मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का वो घर है जिसका बेटा सलमान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और ये वो पूरा इलाका है जहां पर आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल को लाकर तड़पाया गया, यहीं पर चाकू से गोदा गया और यहीं पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जो 20 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है जिसका आड़ लेकर यहां से पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है और इसी दीवार इसी दरवाजे की आड़ लेकर गोली चलाने का आरोप भी लगा है। बहराइच में हिंसा के तीसरे दिन अब बल्बे को हटाने का और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। सामने आप मार्केट की तरफ देखेंगे तो आप देखिए नगर पालिका की गाड़ियां वो उन तमाम बल्बों को हटा रही है और इलाके की सफाई कर रही है जहां पर हिंसा हुई थी और इस दौरान भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। अधिकारियों की पूरी फौज सड़क पर उतार दी गई है और ये वो मेन मार्केट है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब इन गाड़ियों को हटाने का काम शुरू है, एक गाड़ी, दो गाड़ी, ऐसी दर्जनों गाड़ियों को आग लगाया गया है और ये पूरा शोरूम ऊपर रेजिडेंशियल है और नीचे इनका कॉमर्शियल इलाका है, इसको भी आग लगाने की कोशिश की गई। पूरे मार्केट में बार बार मार्च करके ये कोशिश की जा रही है कि हालात सामान्य है, धीरे धीरे दुकानों को खोला जाए और इस मेन रोड को जो बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर अब लोगों का आवागमन भी शुरू किया जाए। ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमारे पुलिस अधिकारी की जो टीम है वो लगी हुई है और कोई भी जो अराजक तत्व है जिसने भी किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है या किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाई है उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी पीड़ित परिवार है उसे पूरी तरीके से सहायता भी दी जाएगी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। उपचुनाव न होने पर अखिलेश यादव का एक पोस्ट, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। कोर्ट में याचिका के चलते मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ।